प्यारे दोस्तों साथियों, मैं शिहाब भाई के लिए दो लाइनें अर्ज करना चाहता हूँ। हे नजर में जमाले हबीबे खुदा, हे नजर में जमाले हबीबे खुदा, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। प्यारे दोस्तों साथियों, एक बार फिर हम हाजिर हैं शिहाब भाई के लेटेस्ट अपडेट लेकर। प्यारे दोस्तों साथियों, आज के इस वीडियो में मैं शिहाब भाई के वीज़े के मुतालिक एक अहम जानकारी देने वाला हूँ कि जिसे सुनने के बाद आप सभी लोग खुशी के मारे झूम उठेंगे और जिसको सुनने के लिए हम तमाम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अब वो वीज़े की अपडेट्स हम आपको यकीनन सुनाने वाले हैं और उसी के साथ साथ शिहाब भाई के तमाम अपडेट्स की भी बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आखिर तक बने रहे। चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दे, क्योंकि हम शिहाब भाई की तमाम अपडेट्स कम समय में लाने की कोशिश करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात कर लेते हैं शिहाब भाई को लेकर कि शिहाब भाई इस वक्त कहाँ पर है और शिहाब भाई ने सफ़र शुरू किया है या फिर नहीं किया है, शिहाब भाई पाकिस्तान में पहुँच चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इन सब मुद्दों पर बात होगी, सच्ची अपडेट्स दी जाएगी, तो दोस्तों इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको शिहाब भाई के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि शिहाब भाई का जो अभी इस वक्त का पाकिस्तान में सफ़र चल रहा है उसमें क्या दिक्कतें और क्या रुकावटें आ रही है, इस वजह से शिहाब भाई अभी तक ईरान बॉर्डर पर नहीं पहुंच पाए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो जानकारी क्या है और अपडेट्स क्या है हमारे पास, वो सारी कुछ जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहे। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं शिहाब भाई के सफ़र हज के बारे में। तो दोस्तों आज है 29 जनवरी 2023 और आज शिहाब भाई को अपने घर केरला से निकले हुए तकरीबन 240 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, शिहाब भाई को अपने घर केरला से निकले हुए तकरीबन 240 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। और दोस्तों शिहाब भाई के सफ़र के बारे में और लाइव लोकेशन के बारे में बात करें तो शिहाब भाई अभी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अपने सफ़र को मुकम्मल कर रहे हैं। और जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जो शिहाब भाई का जो सफ़र है वो 25 दिसंबर 2002 से पहले स्टार्ट हो चुका था और शिहाब भाई का जो सफ़र है वो तकरीबन पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। और दोस्तों बहुत से लोगों को अभी ये भी पता नहीं है कि जो शिहाब भाई का जो सफ़र है वो स्टार्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो शिहाब भाई का जो सफ़र है वो 25 दिसंबर से पहले स्टार्ट हो गया था और शिहाब भाई अभी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अपने सफ़र को मुकम्मल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शिहाब भाई ईरान बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाए हैं। जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि शिहाब भाई अभी एक जगह रुके हुए हैं पाकिस्तान के अंदर ईरान के बॉर्डर के पास। उनके जो कागजात वगैरह है अभी कन्फर्म नहीं हो पाए, उनका जो पेपर वर्क है वो अभी चल रहा है। जैसे ही शिहाब भाई का पेपर वर्क कंप्लीट हो जाएगा, शिहाब भाई ईरान बॉर्डर को भी क्रॉस कर लेंगे। और दोस्तों बताया जा रहा है कि शिहाब भाई का जो सफ़र है उसे 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा, उनके कागजात वगैरह सब रेडी हो जाएगी तभी उनका सफ़र जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप शिहाब भाई की इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर शिहाब भाई से मोहब्बत करते हैं और शिहाब भाई से प्यार करते हैं तो शिहाब भाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें ताकि उनका जल्द से जल्द जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट हो जाए और वो मक्का मुकर्रमा पहुंचकर हमारे लिए सभी इंसानियत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें। और दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्त अहबाब में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी जो है और लोगों तक भी पहुंच सके, ताकि और लोगों को भी पता चले कि शिहाब भाई का जो सफ़र है वो पाकिस्तान में ही है, अभी तक ईरान बॉर्डर पर नहीं पहुंच पाए हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा
कि अभी इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा फेक न्यूज़ बनाई जा रही है कि जो शिहाब भाई का जो सफ़र है वो आज की डेट में भी स्टार्ट नहीं हुआ है और शिहाब भाई अभी भी इंडिया के अंदर आफिया किड्स स्कूल में रुके हुए हैं और उन्होंने अभी तक अपने सफ़र को स्टार्ट नहीं किया है। तो दोस्तों, आप इस तरह की वीडियोस को देखते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे वीडियोस को बिल्कुल भी ना देखें। ऐसे वीडियोस सरासर फेक बनाई जा रही है। जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि शिहाब भाई का जो सफ़र है वो स्टार्ट हो चुका है और दोस्तों, इस चैनल पर आपको शिहाब भाई के बारे में सच्ची और पक्की जेन्युइन अपडेट्स जानने और सुनने को मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर आप शिहाब भाई की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल के साथ बने रहिए। और जैसा कि मेरे दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों को बता दूं, शिहाब भाई का जैसे ही पेपर वर्क कम्प्लीट हो जाएगा तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बता देंगे। और दोस्तों, शिहाब भाई के ऐसे डेली अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं इंशाअल्लाह ऐसे शिहाब भाई के एक नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।